Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कैटरैक्ट या सफेद मोतियाबिंद का लेटेस्ट ऑपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेजर टेक्नोलॉजी से और पेशेंट की आंख में डाल रहे हैं दुनिया का सबसे बेस्ट लेंस जो EDOF कैटेगरी का लेंस है क्लैरियन विविटी लेंस। तो पेशेंट हमारे पास आए हैं घाटकोपर वेस्ट मुंबई से क्योंकि वहां पर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और स्पेशली मुंबई से ऑल द वे दिल्ली आए हैं इस नई टेक्नोलॉजी से अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। तो अभी इस वीडियो में पूरा ऑपरेशन आपको दिखाने वाला हूं। ये जो ऑपरेशन है बेसिकली दो स्टेप्स में करा जाता है। तो पहले स्टेप में लेजर मशीन का हम यूज करते हैं मोतियाबिंद को घोलने के लिए। तो लेजर मशीन को पेशेंट की आंख पर डॉक करा जाएगा, लेजर आंख के अंदर जाएगा और मोतियाबिंद जो है उसको घोल देगा। फिर हम पेशेंट को दूसरे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं जहां पे इस घोले हुए मोतियाबिंद को निकाल देते हैं और इसकी जगह पर एक नया लेंस डाल देते हैं जिससे पेशेंट की नजर दोबारा साफ हो जाती है और पेशेंट अपने सारे काम दोबारा अपनी साफ नजर से कर सकता है। ये जो हम पेशेंट की आंख में क्लैरियन विविटी लेंस डाल रहे हैं ये एक EDOF कैटेगरी का लेंस है। तो जैसे EDOF के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब ये वाला लेंस हम पेशेंट की आंख में डालेंगे तो पेशेंट की दूर की नज़र, दूर के काम जैसे घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, ये सारे बिना चश्मे के होंगे। बीच का काम, मोबाइल कंप्यूटर वाले काम बिना चश्मे के होंगे। सिर्फ पेशेंट को जब पढ़ने लिखने का काम करना है, जब पास का बारीक काम करना है, सिर्फ तब पेशेंट को थोड़ा सा रीडिंग का करीब 1.5 नंबर का सपोर्ट चाहिए होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ऑपरेशन होता कैसे है। पहले फर्स्ट स्टेप दिखाऊंगा, फिर सेकंड स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी जो हम कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्जरी है जहाँ पर हम लेज़र मशीन को यूज़ कर रहे हैं आंख के अंदर जो हमारा नेचुरल लेंस सफ़ेद हो गया है जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं उसको हम इस लेज़र से घोल देंगे। सो ऊपर देखते रहेंगे सर लाइट पे, रेडी, हल्का सा पैरों पे, हल्का सा नीचे की तरफ, हल्का सा नीचे सर पैरों की तरफ, हाँ देखेंगे पैरों की तरफ, शाबाश, अच्छा वेरी नाइस। So, अभी इस स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेज़र से मोतियाबिंद को घोल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि ये मशीन जो है आंख के ऊपर डॉक हो गई है और ये हमें सारा गाइड करती है अब कि लेज़र को कैसे खोलना है, मोतियाबिंद को कैसे खोलना है और लेज़र को कैसे डालना है। तो अभी कैसे ओपनिंग होगी इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमने ओपनिंग यहाँ बनानी है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे लेज़र हमें गाइड करेगा कि कितने डेप्थ पर ओपनिंग करनी है। तो ये सारा लेज़र ने हमें गाइड कर दिया कि इस तरह से ओपनिंग करनी है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है तो हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब लेज़र हमें दिखाएगा कि लेंस को कैसे घोलना है। तो लेंस को भी लेज़र ने अपने हिसाब से ही मार्क कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। बस अब हमारा लेज़र रेडी है और हम लेज़र को फायर करने वाले हैं। सर हिलिएगा नहीं, आराम से लेटे रहिएगा। सो बस अब मैंने लेज़र ऑन कर दिया, यहाँ पे लिखा आ गया लेज़र एमिशन एंड आप देख रहे हैं लेज़र अभी लेंस में एक ओपनिंग बना रहा है जहाँ से हम मोतियाबिंद को निकालेंगे और ये हमें दिखाता जा रहा है कि ओपनिंग बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है और कंप्लीट हो गई। अब लेज़र लेंस को घोल रहा है जिससे आराम से ये आँख के बाहर निकल जाए। तो अगेन पूरा ऑपरेशन बहुत कम्फर्टेबल रहता है, इसमें कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता। फर्स्ट स्टेप हमारा ख़त्म हो गया, करीब 2-4 मिनट का होता है एंड अब हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे ओटी में जहाँ पे हम पेशेंट की आंख से ये जो मोतियाबिंद हमने घोल दिया है इसको निकाल देंगे और इसकी जगह पर एक नया लेंस डाल देंगे। तो बस अब शिफ्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड स्टेप कैसे होता है। सो ये मशीन है जिसको हम लोग सेंचुरियन मशीन कहते हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे घुले हुए मोतियाबिंद को निकालने के लिए और आंख में एक नया लेंस डालेंगे। तो अभी दिखाता हूँ इस मशीन पर आगे कैसे काम होता है।
मेरा नाम अंकुश धोत्रे है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर मैं कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए आ गया हूँ। मैं मिसेस माधवी अंकुश धोत्रे, मैं इनके साथ में आई हूँ ऑपरेशन के लिए। मेरे आँखों का नंबर अभी प्रॉपर याद नहीं, लेकिन 2.5 दूर का नंबर था और पास का सवा से लेके डेढ़ तक था। जैसे अभी एक साल से जब डॉक्टर ने बताया कैटरैक है मुझे, तो वो जो विजन है एक साइड के आए का, वो धीरे 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 कम होता गया, मतलब थोड़े थोड़ा ब्लर होता गया। तो उसमें एक साल लगा मुझे, तो एक साल के बाद ही फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया मुझे कि ऑपरेशन करना है, तो हम यहाँ। जैसे कैटरैक का मुझे नॉलेज हुआ कि कैटरैक का ऑपरेशन करना चाहिए, तो मैंने सोशल मीडिया में सर्च करते करते यूट्यूब में राहिल सर का मैंने वीडियो देखा था पहले, एक साल पहले, तो काफ़ी सारे वीडियो कैटरैक के बारे में या आँख के बारे में जो डाले हैं, वेरी यूज़फुल नॉलेज उसमें लगाए हुए दिया है उन्होंने। उसमें से काफ़ी सारा जानकारी मुझे सही जानकारी मिला मुझे वहाँ पर, तो लेंस कौन सा चूज़ करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है और किस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, काफ़ी सारी जानकारी उन्होंने डालने के बाद में वो थोड़ा सा अवेयरनेस मुझ में आ गया, ऐसा मैं बता सकता हूँ। और प्रॉपर भी फिर मुझे कैसे सिलेक्ट करना है कौन सी सर्जरी और क्या, तो इसके बारे में फिर मुझे सोशल मीडिया से सब सारा पता चला है राहिल सर के वीडियो से। राहिल सर के मैं दिल्ली में जो मैं आया हूँ, इसका बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ पर एक दो डॉक्टर है, मैंने वहाँ दिखाया था कैटरैक के ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पर जो फेमटो विथ AI का जो सर्जरी होता है वो काफ़ी एक कम लोगों के पास होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, और लेकिन जो वीडियो जो प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया में, तो वहाँ पर वो दिखता है कि हर एक डॉक्टर का स्किल वो ऑपरेशन करने में दिख जाता है। तो मुझे राहिल चौधरी का जो ऑपरेशन करने का स्किल का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं तो सोच के आया था कि कोई तो नॉर्मल क्लिनिक होगा या हॉस्पिटल होगा और मुंबई में जैसे हम लोग फील करते हैं ऐसा ही उसी टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट थोड़ा अलग है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट को मतलब पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, प्रिकॉशन ली जाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। नमस्कार आप सबको, हम जो यहाँ पे आए मुंबई से दिल्ली, तो बहुत ही हम खुश हैं आपके स्टाफ डॉक्टर्स सभी से, हमें बहुत सारा प्यार मिला, प्रिकॉशंस मिली और उन्होंने बहुत सारी तत्परता से जो भी है वो सब क्वेश्चंस के आंसर हमें बताए, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल गई और हम सक्सेसफुल रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर राहिल चौधरी सर।